फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज की जो है फोटो हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक फोटो होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अपनी फाइल पे जो है फोटोशॉप पे लेफ्ट दो बार हम लोग क्लिक करते हैं, या फिर आप क्या करेंगे कि फाइल पे ओपन यहां पे दिया होता है, उसके आगे शॉर्टकट की लिखी होती है कंट्रोल प्लस ओ, ये भी हम लोग कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सामने यहां से कोई भी हम लोग एक फोटो जो है सेलेक्ट कर लेंगे, जिसपे आपको जो है पासपोर्ट साइज की फोटो आपको बनानी है, जो भी आपको फोटो यहां से सेलेक्ट करना है। एक फोटो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये क्रॉप टूल यहां पे देखिए दिया होता है, इस क्रॉप टूल पे हम लोग क्लिक करेंगे, ऊपर विथ हाइट जो होता है इसको हम लोग क्लियर कर देंगे, तो पासपोर्ट साइज जो फोटो की यहां पे विथ हम लोग डालते हैं वो यहां पे होती है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट जो होती है इसकी 4.5 सेंटीमीटर, और जो रेजोल्यूशन दिया होता है इसको हम लोग कर सकते हैं 200। इसको डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फोटो को क्रॉप कर लेंगे। फोटो क्रॉप करते समय आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों शोल्डर जो है वो आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तो इसको हम इस सिलेक्शन को हम लोग एरो की से लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आपको करना है हम लोग सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे, ये फोटो हमारी बन के आ जाएगी। अब अगर इसको हमको थोड़ा सा साफ वगैरह करना है, कलर वगैरह अगर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर यहां से देखिए इमेज मेन्यू पे यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट दिया होता है, और यहाँ पे लेबल्स, इसके आगे कंट्रोल प्लस एल, ये शॉर्टकट की है, इसको हम लोग कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेबल्स आप फोटो को जिस हिसाब से आपको सेट करना है हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे, उस हिसाब से फोटो हमारी सेट हो जाएगी जो भी आपको करना है। इसके अगर हमको जो है और इसको अच्छे से साफ करना है, तो एडजस्टमेंट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया होता है हमारा कर्व, इसके आगे भी शॉर्टकट की इसकी दी है कंट्रोल प्लस एम, इसको हम लोग कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। अप पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा इसकी लाइट हल्की सी बढ़ जाएगी, शार्प हो जाएगा, और डाउन पे थोड़ा सा ये डार्क में आ जाएगा, जो आप जिस तरीके से सेट करना चाहें वहां पे सेट करके ओके बटन पे हम लोग प्रेस कर देंगे। अब हमको क्या करना है, उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से एक न्यू पेज जिसपे हमको फोटो चाहिए कंट्रोल प्लस एन। अब यहाँ पे देखिए पेपर का साइज यहाँ पे दिया होता है, जो भी आप जिस पेज पे आपको निकालना है 2x3, 4x6 या A4 जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से पेपर का साइज हम लोग सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे, तो वो पेपर का साइज हमारे सामने आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारी फोटो है इस पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट लिखा हुआ है सेलेक्ट मेन्यू पे, या अगर कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है तो कंट्रोल प्लस ए, ये हमारी फोटो जो होगी वो क्या होगी सेलेक्ट हो जाएगी, और सेलेक्ट होने के बाद इसको हम लोग मूव टूल से ऐसे मूव करके अपने पेज पे ऐसे छोड़ देंगे, ये जो है मिनिमाइज हम लोग ऐसे कर लेंगे, और ये फोटो देखिए यहाँ पे हमारी आ गई। इसके ऊपर हमको क्या करना है कि हल्का सा एक ब्लैक कलर का, आपको पता होगा कि यहाँ पे बॉर्डर दिया होता है, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट पे स्ट्रोक दिया होता है, यहाँ पे विथ हो कलर, तो विथ हम लोग 5 या 6 यहाँ पे फिक्सल कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर लिया, और जो कलर है इसका कलर हमने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करके ये हमने ओके कर लिया, तो यहाँ पे फोटो के ऊपर हमारा क्या हो गया, बॉर्डर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कीबोर्ड से हम लोग अल्ट की हम लोग प्रेस कर लेंगे, और अल्ट की के साथ इस फोटो को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये मूव कर लेंगे फोटो, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमने यहाँ पे 3 फोटो यहाँ पे मूव कर ली हैं, और फोटो को मूव करने के बाद अगर इसको हमको कई कॉपी में करना है तो यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट ऑप्शंस दिया होता है, इन तीनों फोटो को हम लोग एक साथ जो है सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, तो ये फोटो हमारी कॉपी हो जाएगी, और कॉपी होने के बाद पेस्ट कर लेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल वी, और ये मूव टूल करने के बाद देखिए ये फोटो हमारी क्या होगी, पेस्ट हो जाएगी। और अगर इसको आपको कॉपी है ही अगर और इसको बढ़ाने हैं तो हम लोग कंट्रोल बी एक बार फिर प्रेस करेंगे, तो ये 3 फोटोज हमारी फिर एक साथ पेस्ट हो जाएंगी, और एक बार हम लोग और करते हैं तो ये हमारी इस तरीके से फोटो बन गई। इस तरीके से ये पासपोर्ट साइज का फोटो हमारा जो है बन के तैयार हो गया। अगर इसको हमको सेव करना है तो फाइल मेनू में यहाँ देखिए सेव कमांड दिया है, शॉर्टकट भी इसके आगे कंट्रोल प्लस एस लिखा हुआ है, इस पे हम लोग क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल नेम यहाँ पे आपको देना है
जैसे हमने किसी भी फाइल का नेम यहाँ से हमने दे दिया, और फाइल का नेम देने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे जो फॉर्मेट होगा फोटोशॉप में अगर किसी भी फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो नीचे देखिए जेपीजी फाइल में आपको इसको सेव करना है। इस तरीके से जेपीजी फाइल हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर देंगे और ये जो हमारी जो है जेपीजी ऑप्शन आएगा ओके कर देंगे। इस तरीके से हमारी जो है फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज की फोटो बन के तैयार हो गई।